एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज द यूट्यूब। आपका स्वागत है मेरे आज किस नए वीडियो में। आज किस नए वीडियो में मैं लेकर आया एक और न्यू केयर प्रोडक्शन ट्यूटोरियल, जो कि होने वाला है ग्लोबल लेवल पर और उसे ऑर्गेनाइज कर रहा है फेंटियागो एंटरटेनमेंट। इस ऑडिशन का नाम है फेंटियागो एंटरटेनमेंट पोजीशन ऑडिशन 2022। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सभी डिटेल दे दी थी फेंटियागो पोजीशन ऑडिशन 2022 से रिलेटेड, जिसके इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका ऑडिशन पीरियड क्या होगा, इसकी ऑडिशन कैटेगरी क्या होगी और इसमें आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे से गूगल अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और रिजल्ट अनाउंसमेंट के साथ सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। तो इस वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जाकर इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आप सक्सेसफुली जो है अप्लाई कर सके फेंटियागो पोजीशन ऑडिशन 2022 के लिए। बट इस वीडियो में आपको मैं लाइव डेमो देके बताऊंगी कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और उसके अलावा कहाँ पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद किस तरह से आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं, क्योंकि आपको इसके ऑडिशन के लिए अप्लाई करने के लिए ईमेल के थ्रू अप्लाई करना होगा। तो आप याद रखिएगा, सबको मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को आप तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नया आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टैप कर दीजिए बेल आइकन पर, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको पता चल जाए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन बना रहता है और साथ ही मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मदद कीजिए। किसी भी कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी में ऑडिशन देने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में और उसके आर्टिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। सो हु इज़ फेंटियागो एंटरटेनमेंट। फेंटियागो एक साउथ कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी है जो कि ऑपरेट करती है एज अ रिकॉर्ड लेबल और साथ ही वो टैलेंट ट्रेनिंग मैनेजमेंट एजेंसी के नाम से भी जानी जाती है और साथ ही मूवी और कोरियन ड्रामा प्रोडक्शन कंपनी के नाम से भी, यानी कि इस कंपनी से आपको केओप आइडल्स के साथ साथ कोरियन ड्रामास के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी मिलेंगे। इस कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी को फाउंड किया गया था सितंबर 2008 में और उस वक्त उसका नाम था NOA एंटरटेनमेंट, बट बाद में जून 2011 में इस नोआ एंटरटेनमेंट का नाम चेंज करके कर दिया गया फेंटियागो एंटरटेनमेंट। केओप ऑडिशन को पास करने में कुछ टिप्स एंड एडवाइसेस की जरूरत है तो जॉइन मेंबरशिप में अपने यूट्यूब चैनल जेडीयू पर आपको केओप ऑडिशन के एडवाइसेस और टिप्स और केओप ऑडिशन के ट्यूटोरियल्स देती हूँ। आई होप आप मेंबरशिप को ज्वाइन करें। ये मेंबरशिप ज्वाइन करके आपको काफी इंस्टेंट एक्सेसेस मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपको केओप ऑडिशन को पास करने में, ताकि आपका केओप आइडल बनने का सपना पूरा हो सके। कुछ मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जैसे कि लॉयल्टी बेजेस, इमोजीज एंड पर्क्स, मेंबर ओनली चैट रूम्स। यहाँ पर सिर्फ जो मेंबर्स होंगे जिनके पास मेंबरशिप होगी उनके लिए एक अलग से चैट रूम बनाया जाएगा, जहाँ पे सभी आप लोग बात कर सकते हैं और अपनी वरीज को सॉल्व कर सकते हैं कंसल्ट करके। मेंबर ओनली लाइव चैट्स, जितने भी मेंबर्स होंगे जिनके पास मेंबरशिप होगी उनके लिए एक लाइव चैट में ऑर्गेनाइज करूंगी कुछ टाइम में, ताकि वो लोग अपने से बात कर सकें, सभी आप केवल फ्रेंड्स हो सकें और अपनी जो बातें हैं अपने एक दूसरे से शेयर कर सकें। पर्सनल चैट्स, इसमें आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं अपनी वरीज और अपने जो भी आपको टिप्स चाहिए, कुछ भी ऑडिशन से रिलेटेड, ऑडिशन वीडियो से रिलेटेड सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ वीकली और मंथली इवैल्यूएशन सेशंस, आपके ऑडिशन वीडियो और आपके ऑडिशन के डांस सिंगिंग और फोटोज, उनके आप मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपको इवैल्यूएशन कर सकूं, बता सकूं कि वो जो आपने फोटोज और वीडियोज बनाई हैं वो आपके जो ऑडिशन में अप्लाई करने के लायक है या नहीं है। अर्ली एक्सेस टू वीडियोज, जो मैं वीडियोज डालती हूँ उस पर आपको अर्ली एक्सेस मिल सके ताकि आप जल्द से अप्लाई कर सके, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल जो ऑडिशन होते हैं उनकी जो है जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 48 आवर्स का। आपको जल्द से अप्लाई करना होता है क्योंकि आजकल सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती है, इसलिए आपको जल्दी से पता चल सके कि किसका ऑडिशन हो रहा है कब हो रहा है, तो वो आपको मिल सकती है एक्सेस इस पर भी और साथ ही प्रायोरिटी टू कमेंट्स, क्योंकि जो ये भी केओप ऑडिशन होते हैं वो ग्लोबल लेवल पे होते हैं तो सभी लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, इसलिए जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं वो भी बहुत ज्यादा नंबर पे आते हैं, इसलिए मैं सिर्फ कुछ को ही रिप्लाई कर पाती हूँ कुछ को नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। इसलिए अगर आपके मेंबरशिप होगी तो आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैं प्रायोरिटी दूंगी और उन्हें सबसे पहले रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आप लोगों की मेंबरशिप को ज्वाइन करने से जो सपोर्ट मुझे मिलेगा, ना कि सिर्फ आप बेनिफिट्स को रिसीव करेंगे बट आप मेरी भी मदद करेंगे, ताकि ऐसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियोस को क्रिएट करती रहूं और आपके केओप ऑडिशन का पास करने में और आपके केओप आइडल बनने का सपना पूरा होने में एक जरिया बन सकूं। सो ज्वाइन द मेंबरशिप नाउ। चलिए मैं आपको बताती हूं हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म टू अप्लाई फॉर फेंटियागो एंटरटेनमेंट पोजीशन ऑडिशन 2022 के बारे में। सबसे पहले आपको अपना गूगल ऐप ओपन करना होगा, उसके बाद आपको सर्च पर जाकर लिखना होगा फेंटियागो। फेंटियागो आप जैसे लिखेंगे देखिए आपके सामने सर्च ओपन हो चुकी है, यहाँ पे आप पेज को नीचे रोल करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट दिखेगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है HTTP और फिर लिखा है www.fentiago.kya, तो यही है फेंटियागो एंटरटेनमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने वो ओपन हो चुका है फेंटियागो एंटरटेनमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप इस पेज को नीचे रोल करेंगे तो आपको दिखेगी फेंटियागो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनके केओप ऑडिशन से रिलेटेड, और जैसे आप पेज को नीचे रोल करेंगे देखिए यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन ऑडिशन अप्लाई, तो इस पर ही आपको क्या करना है क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। देखिए मैंने उस फॉर्म को डाउनलोड कर लिया है और फिर मैं देखिए आपके सामने दिखा देती हूँ वो फॉर्म कैसा दिखेगा।
तो देखिए आपके सामने खुल चुका है फेंटियागो एंटरटेनमेंट के जो इस केयर पोर्शन में अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ये रहा। तो चलिए अब मैं आपको वन बाय वन सब कुछ फिल करना बताती हूँ, कहाँ पे आपको क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है देखिए एप्लीकेशन फील्ड, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आपको किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। आपको एक्टर एक्ट्रेस के लिए अप्लाई करना है, सिंगर के लिए अप्लाई करना है, मॉडल के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सिंगर, या फिर आपको जो लिखना है डांसिंग कैटेगरी के लिए या रैप कैटेगरी के लिए वोकल कैटेगरी के लिए वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है नेम, तो नेम पे आपको अपना क्या करना है फुल नेम लिख दे देना है। क्या आपका जो नेम आता है सर नेम के साथ स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। कैसे फिल करेंगे, आपको पहले डेट लिखनी है, फिर स्लैश लगा के आपका मंथ लिखना है, और फिर स्लैश लगा के आपको अपना बर्थ सन लिखना है, जितने साल में आप पैदा हुए थे वो सन लिखना है। उसके नीचे लिखा हुआ यहाँ पे जेंडर, जेंडर में आपको देख लेना है, जो भी आप मेल हो तो मेल पर टिक कर दीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल पर टिक कर दीजिएगा। उसके देखिए नीचे लिखा है यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस आपको क्या लिखना है आपके घर का एड्रेस लिखना है, उसके आखिर में आपको इंडिया भी लिख देना है। उसके नीचे लिखा हुआ है एजुकेशन यानी कि मेजर, आपका जो एजुकेशन अभी चल रहा है करंट में वो आपको लिखना है, आप मिडिल स्कूल में या हाई स्कूल में है वो आपको लिख देना है। जैसे मिडिल स्कूल होता है आपका 6 to 8 और फिर आपका जो हाई स्कूल होता है वो 10 to 12 होता है, तो जिस भी क्लास में हो वो क्लास यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखा है यहाँ पे पर्सनल होम पेज, तो यहाँ पे आपको आपके बारे में लिख देना है पर्सनली, आपके पास अगर कोई अपने होम पेज हो आपका तो। उसके नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे टेल, टेल यानी आपके घर में कोई टेलीफोन हो तो आपको सेलफोन का नंबर भी यहाँ पे लिख देना है। ये सभी चीज़ें लिखने के बाद आप पेज को नीचे रोल कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे पूछी गई है कॉन्टैक्ट नंबर में, जो है आपने टेलीफोन नंबर ऑलरेडी लिख दिया था, फिर आपको सेल नंबर लिखना है यानी कि आपका जो हैंडफोन होता है जो आप हाथ में लेकर घूमते हो उसको बोलते हैं सेल, तो यहाँ पे आपको अपने फ़ोन का नंबर लिख देना है। उसके बाद वही नंबर लिखेगा जो चलता हो, जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ऑन हो, चालू हो। उसके नीचे लिखा हुआ ईमेल, तो ईमेल आपको वही ईमेल आईडी लिखनी है जिस पर आपका अपडेट्स आते हो, मैसेजेस आते हो, ईमेल आते हो, वही वाली ईमेल आईडी दीजिएगा, और देखिएगा उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके नीचे लिखा है बॉडी साइज, बॉडी साइज में आपको क्या करना है अपनी हाइट लिखनी है, आपकी हाइट जो है आपको मेजर करना है सेंटीमीटर में, जितनी आपकी हाइट आती है उतनी आपको यहाँ पे हाइट लिख देनी है सेंटीमीटर में। उसके बाद आपको अपना वेट मेजर करवाना है, एकदम करंट की चीज़ें लिखनी, ये नहीं कि आपने एक दो महीने का लिखा हो पहले का हो वो लिखना, नहीं, वेट आपको हाइट और वेट दोनों आपका करंट में मेजर करवाना है। उसके बाद आपको यहाँ फिल करना है, वेट आपको लिखना होगा आपका केजी में। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट लिखा हुआ है, आपको किस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपकी जो हॉबीज़ है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके साथ ही स्पेशलिटी यानी कि आप किस भी चीज़ में बेस्ट हो, कुछ आपके अदर क्वालिटीज़ हो, यूनिक टैलेंट हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आपको कोई स्पेशलिटी वगैरह है आपके अंदर तो। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे फील्ड एक्सपीरियंस, यानी कि आप किसी तरह का एक्सपीरियंस हो, फील्ड एक्सपीरियंस यानी कि मान लीजिए आपने काम किया हो, कुछ एक्सपीरियंस हो आपको किसी चीज़ का तो आप एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। आपने किसी कैफो एंटरटेनमेंट कंपनी का ऑडिशन दिया हो उसका एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, किसी कॉम्पिटिशन पार्ट लिया हो उसका आप यहाँ पर फील कर सकते हैं। आपके ऊपर आपको क्या एक्सपीरियंस लिखना है बट अपने जो है अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। उसके चले पेज को नीचे रोल कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पूछी गई है कमेंट, ओनली फॉर द जजेस प्लीज़ लीव इट एज अ ब्लैंक, तो ये कमेंट वाला बॉक्स जो है आपको खाली रखना है, इसमें आपको किसी तरह का एडिट नहीं करना है। फिर देखिए नीचे यहाँ कुछ चीज़ें लिखी है जिसको ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है अटैच मिनिमम ऑफ 3 इमेजेस, तो आप जब उन्हें ईमेल भेजेंगे मैं आपको बताऊंगी आपको ईमेल किस तरह से भेजना है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है जब आपको इमेजेस अटैच करनी है तब आपको उन्हें कम से कम 3 फोटो तो आपके भेजने होंगे, 3 फोटो उन्होंने बताया नहीं किस तरह के होने चाहिए। तो आप ऐसा कर लीजिएगा एक फ्रंट फोटो डाल दीजिएगा, एक फुल फोटो डाल दीजिएगा, फ्रंट फोटो कितना होता है आपका सर से लेकर चेस्ट तक का, दूसरा फोटो आपका फुल फोटो डाल दीजिएगा सर से लेकर कमर तक का, और तीसरा फोटो डाल दीजिएगा सर से लेकर पूरा पैर नीचे तक का, ये 3 तरह के आपके फोटो हो गए। बट उन्होंने आपको याद रखा है कि आप 3 फोटो किस तरह के भी डाल सकते हैं, बट आपको इतना याद रखना है कि उसमें किसी तरह का एडिट नहीं होना चाहिए, कुछ आपने उसमें एडजस्ट नहीं किया हो, कुछ एडिट नहीं किया, कुछ फोटोशॉप नहीं किया, ठीक है। उसके सेकंड चीज़ ये कि कॉपीराइट्स ऑफ एवरी कंटेंट वीडियो रिकॉर्डेड फाइल्स विच ऑकर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग इन फेंटियागो ऑडिशन विल बी बिलोंग टू द कंपनी एंड विल नॉट बी रिटर्न, यानी कि जो भी चीज़ें अपनी फोटो अपनी वीडियो या वॉइस की जो रिकॉर्ड फाइल्स हैं आप सेंड करेंगे ताकि आप इसके ऑडिशन पार्टिसिपेट कर सकें, तो वो सभी चीज़ों का कॉपीराइट जो है वो कंपनी के पास होगा, ताकि अगर वो किसी जगह भी अपलोड करें तो उनको किस तरह का कॉपीराइट ना आए, इसलिए जो भी चीज़ आप उन्हें भेजेंगे वो उनकी हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि वो चीज़ें आप जो केयर ऑडिशन के लिए अप्लाई करने के लिए भेजेंगे वो उन्हें वापस भी नहीं करेंगे, एंड दैट्स इट। और बस यही आप इस तरह से आपने फिल कर लिया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अब चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ हाउ टू राइट ईमेल टू अप्लाई फॉर फेंटियागो एंटरटेनमेंट पोजीशन ऑडिशन 2022। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था आपको किस तरह से ईमेल भेजना है, बट इस वीडियो में आपको मैं लाइव डेमो देकर बताऊंगी कहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले आपका जीमेल ऐप को ओपन कर लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कंपोज का बटन, इस कंपोज के बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस कंपोज के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रॉम तो आपका ऑलरेडी लिखा होगा, जिस भी ईमेल आईडी से आपके जीमेल में लॉगिन होगा वो ईमेल आईडी यहाँ पे अपने आप लिखी आ जाएगी फ्रॉम की जगह पर। फिर यहाँ पे टू पे आपको लिखना है जिसको आपको भेजना है, तो मैंने आपको बताया था कि उन किस ईमेल आईडी पे भेजना है आपको, फेंटियागो एंटरटेनमेंट जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करी है उस पर, जो कि है ऑडिशन @ फेंटियागो .kr, वो आपको यहाँ पर लिख देना है,
ठीक है। तो यहाँ पे टू पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे audition@fentiago.kr, ऐसा आपको यहाँ पर लिख देना है। देखना स्पेलिंग में कोई किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आप इतना audition@fentiago.kr लिखेंगे तो आपके सामने नीचे सजेशन आ जाएगा एड रिसिपिएंट वाला, उस पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है। जैसे आप उसे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ऐसा पेज शो होने लगेगा, तब समझ जाएगा कि आपने जिसको भेजना है उसको आपने अटैच कर दिया है। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका जो टाइपिंग करने का है आप यहाँ पर चले जाइए सब्जेक्ट पर, जैसे आप सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे फिर आपको लिखना है ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको लिखना है पोजीशन ऑडिशन, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, फिर आपको आपका नेम लिखना है, पूरी नेम की जो स्पेलिंग है सरनेम के साथ लिखेगा, उसके बाद फिर डैश लगाइएगा और फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखेंगे, आपकी डेट लिखना है फिर स्लैश लगाना है, फिर आपको अपना मंथ लिखना है फिर स्लैश लगाना है और फिर आपका जो बर्थ सन है वो लिखना है। उसके बाद फिर डैश लगा के आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फील्ड लिखना है। एप्लीकेशन फील्ड की जगह आप क्या लिखेंगे, जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वाली कैटेगरी यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये सब चीज़ें लिखने के बाद स्पेलिंग चेक करने के बाद नीचे आ जाइए कंपोज ईमेल पर, नीचे आपको कंपोज ईमेल लिख रहा है। अब यहाँ पे हम बाकी डिटेल्स लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कंपोज डिटेल आपको वही लिखना है, अगर जो लोग अप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड नहीं कर पाए हैं या उस फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे हैं उनसे नहीं हो रहा है तो उन्हें क्या करना है, जो डिटेल्स उसमें पूछी गई है वही सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर खुद लिख देना है। क्या डिटेल्स लिखना है, आपको आपका नेम लिख देना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, फला डेट लिखना है, फिर स्लैश लगा के आपका मंथ और फिर स्लैश लगा के आपको अपना ईयर लिखना है। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी लिखनी है, यानी कि जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं जिस भी कंट्री के हों वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको आपकी हाइट लिखनी है सेंटीमीटर में और उसके बाद आपको अपना लिखना है वेट सेंटीमीटर में, वेट लिखना है आपको केजी में। उसके नीचे लिख दीजिएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि आपका फ़ोन नंबर, उसके नीचे लिखा है SMS ID यानी कि आपको जिस भी तरीके का आपकी जो ईमेल आप चलाते हो जैसे सोशल मीडिया अकाउंट जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह तो आप उसके लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। और ये सभी चीज़ें आपको लाइन से लिखनी है जैसे मैंने लिखी है, उस तरह से आपको अपनी सारी चीज़ें लिख देना है। ये सभी चीज़ें लिखने के बाद मैंने आपको समझाया था कि इसके बाद आपको अपने फोटो अटैच करनी है और आपकी अपनी वीडियो अटैच करनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, आपको दो फोटो अटैच करने, एक फ्रंट फेस फोटो और दूसरा आपको मैंने बताया था फुल बॉडी शॉट, तो ये दो फोटो आपको अटैच करने होंगे। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी आपको वीडियो अटैच करनी है। वीडियो अटैच किसी को करनी है, जो वोकल डांस रैप और एक्टिंग कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें 1 मिनट 30 सेकंड की वीडियो अटैच करनी है, और अगर कोई विजुअल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको सेल्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो करनी है। इसके बारे में वीडियो के बारे में कैसे बनानी है ये सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, तो उसके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब देखिए बात आती है ऐड करने के बारे की, हमें फोटो और वीडियो कहाँ से अटैच करनी है। तो आपको जैसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उस रिंग वाले स्ट्रक्चर पर आपको क्लिक करना है। देखिए आपके सामने ये दो ऑप्शंस खुलेंगे, वो दो ऑप्शंस में से एक रहेगा अटैच फाइल और दूसरा इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव। तो जहाँ से आपने फाइल सेव कर रखी हुई है वहाँ पे आपको जाना है। तो मैं अटैच फाइल पे क्लिक कर देती हूँ, जैसे अटैच फाइल पे क्लिक करूँगी देखिए आपके सामने ये सभी ऑप्शंस खुल जाएंगे। फिर आपको जाना है इस तीन लाइन पर क्लिक करना है, जैसे आप तीन लाइन पर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने दिख रहा है यहाँ से देखिए इमेजेस लिखा है, तो यहाँ से अपनी इमेजेस को अटैच कर लीजिएगा। वीडियो आपने बनाई है तो यहाँ वीडियो पे आके सिलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। तो ये दोनों चीज़ आप अपने यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और बस आपको ये जो ट्रायंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है समोसे जैसा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है फेंटियागो एंटरटेनमेंट के इस पोजीशन ऑडिशन 2022 के लिए। होप आई आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस वेल एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई मेक मोर अपडेट्स रिलेटेड टू BTS, K-pop, K-pop audition tutorials, K-pop audition tips, life of K-pop trainee and idol and core entertainment videos like this. You can check out my playlist and try out as many auditions as you can. And those who have queries related to video, ask in my comment box. If you liked what you see, then make sure to click the subscription button. It will help me to grow, also encourage me to make more updates related to BTS, K-pop, K-pop audition tutorials, K-pop audition tips, life of K-pop trainee and idol and core entertainment videos like this. And also help me to complete 5,000 subscribers soon. Love you all. Stay safe. See you guys in my next video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to my channel. Jai to you. Bye bye. Anybody out there?